हमारा पूरा परिचय हुआ महंत मुनि श्री श्री 108 रजनीश मुनि जी महाराज। मैं पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का संत हूँ। हम काशी के रत्न थे दर्शन मुनि नागा बाबा, उनका निर्माण उत्सव था। संतों ने आज सामूहिक निर्णय से, संत बहुत समय से, क्योंकि संतों के लिए सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि कौन होगा, तो सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संतों ने गोष्ठी किया और आज सर्वसम्मति से राजनीतिक प्रतिनिधि का मुझे पद दिया। हाँ, भंडारे का दर्शन मुनि नागा बाबा के निर्माण उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे दिव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। कहाँ कहाँ से लोग आए? पूरे वाराणसी मंडल से संत आए हैं। लोकतंत्र का महापर्व, हाँ। 1 तारीख को मतदान होना, क्या अपील करेंगे लोग से? लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी से 2 शब्द में अपील करेंगे। पहला कि आप मतदान जरूर करें। चाणक्य ने कहा है कि लोकतंत्र में अगर आपको ये अधिकार है मत देने का, तो अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसके लिए दामाद ढूंढने के लिए 20 दरवाजे जाते हैं, लेकिन जिसके हाथों में आप अपने पुत्र और पुत्री और बेटे पोतों का भविष्य देते हैं, वह आपका सांसद है। इसीलिए आप मतदान जरूर करें। हर हर महादेव बोल के मतदान करें। माता अन्नपूर्णा का जयकारा लगा के मतदान करें। गंगा माता के चरणों में मतदान करें। काशी विश्वनाथ के चरणों में जरूर मतदान करें। जैसे हम काशी में हर हर महादेव का नाम लेके उठते हैं सोते हैं, वैसे ही मतदान हर हर महादेव बोल के जरूर करें। मुद्दों को देखते हुए मतदान करना है। वर्तमान परिस्थिति में मुद्दे जो हैं वो अब शून्य हो चुके हैं, क्योंकि अब मतदान में जिनको भी अपना निर्णय लेना है वह निर्णय ले चुके हैं। अब तो हमें उस पर्व में अपनी आत्मा की प्रेरणा से मत देना है। हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी किया था, और जब नामांकन किया था तो भी मेरा एक ही नारा था, हर हर महादेव। तो हम हर हर महादेव बोल के ही बोलेंगे। आप मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, हर हर महादेव बोल के मेरे जो हैं सो कार्यकर्ता, वह जो हैं सो मतदान करते हैं। क्या लगता है कि भारत में कुछ परिवर्तन हुआ, हिंदू राष्ट्र की भी बात? बहुत अच्छा हुआ परिवर्तन, जो मोदी जी कर रहे कोई नहीं किया। भारत, हम तो काशी नगरी में रहते हैं जहाँ के राजा काल भैरव हैं, काशी विश्वनाथ है, और काशी तो हमारी चारों तरफ कंक्रीट से आबाद हो चुकी है, और काशी की भव्यता तो बढ़ी है। अब आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लिए मैं सिर्फ आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, और मैं आध्यात्मिक चेतना, काशी आध्यात्मिक राजधानी है, पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, और मैं संत हूँ, मैं आध्यात्मिक राजधानी की ही बात करूँगा। एक अंतिम सवाल हो रहा, भीषण गर्मी पड़ रही, 46-47 डिग्री तापमान है, मत प्रतिशत भी कम हुए, तो कैसे, किस तरीके से वोटिंग करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? सबसे पहले मतदान, फिर जलपान। सुबह 5 बजे ही आप लाइन में लग जाइए मतदान करने के लिए, और 9 बजे तक मतदान करके एकदम फ्री हो जाइए। ठीक।